अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारी बहनों, आत्मी बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव ने आज की समस्त समस्याओं की जड़, चाहे वो व्यक्तिगत हों, पारिवारिक हों, सामाजिक हों, राष्ट्रीय हों अथवा अंतर्राष्ट्रीय हों, उनके मूल में एक ही बात बताई कि आज बड़े आदमी तो बहुत बढ़ गए, पैसे वाले, रुपए वाले, भौतिक संसाधन वाले, लेकिन महामानवों का अकाल पड़ गया है। महामानव कौन? जिनका चिंतन उत्कृष्ट हो, जिनका चरित्राधिष्वादी हो, प्रामाणिक हो, जिनके व्यवहार में शालीनता हो, सद्व्यवहार हो, प्रेम, करुणा, ममता, उदारता, दया, सहयोग और सहकार की वृत्ति हो, जो अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी उनको ऊंचा उठाने में अपना समय, साधन, प्रतिभा लगा सकते हैं, ऐसे महान व्यक्तियों का आज अकाल पड़ गया है। आज हम बच्चों के नैतिक और भावनात्मक मूल्य गिर जाने के कारण उनका चिंतन, चरित्र और व्यवहार में कमी देख रहे हैं। 90% अभिभावकों के लिए यह चिंता का विषय बन गया है। अक्सर लोग कहते सुने जाते हैं कि बच्चा कहना नहीं मानता, पढ़ने में मन नहीं लगाता, सम्मान नहीं करता। यह समस्या आज परिवारों की ही नहीं, समाज और राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। अतः शांति कुंज की गुरु सत्ता ने एक सभ्य, प्रखर, प्रतिभाशाली, सज्जन एवं सुशील भावी पीढ़ी गढ़ने हेतु संस्कार परंपराओं के पुनर्जागरण हेतु एक आंदोलन चलाया है। हमारे प्राचीन गुरु, जो चेतना जगत के, प्रकृति के, अध्यात्म के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि आत्मा के साथ पूर्व जन्म में अच्छे और बुरे अनुवांशिक छाप चेतना के साथ आते हैं। मनुष्य की चेतना के सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव डालने वाले उन्होंने कुछ आध्यात्मिक उपचार निकाले, जिन्हें हम 16 संस्कारों के नाम से जानते हैं। ये संस्कार मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर संपन्न किए जाते हैं, जो उसके मनोविज्ञान, एंडोक्रिनल संस्थान तथा जेनेटिक मशीनरी पर विशेष प्रभाव डालते हैं और अनुवांशिक एवं अचेतन मन पर जमे हुए कुसंस्कारों को साफ कर अंतर मन को सुसंस्कारों से प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। संस्कार मानवीय मस्तिष्क के न्यूरोनल मार्ग पर बार बार पड़ने वाले छाप कहे जा सकते हैं। इन 16 संस्कारों में 3 संस्कार गर्भ के समय कराए जाते हैं। पहला, गर्भाधान, गर्भ के पूर्व तैयारी। दूसरा, तीसरे माह में पुंसवन और तीसरा, सातवें माह में सीमांतोन्नयन। क्योंकि गर्भ में शिशु अत्यंत संवेदनशील होता है, इसलिए 3 संस्कार ऋषियों ने 9 माह के अंदर कराने हेतु निर्देशित किया था। आज मनुष्य जीवन की व्यस्तता, वस्तु स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने 3 संस्कारों का लाभ, शिक्षण और वैज्ञानिकता को एक में मिलाकर एक सार्वभौमिक नाम दिया, जिसको कि हम वूम सेरेमनी या गर्भ उत्सव संस्कार कहते हैं, जो गर्भस्थ शिशु के 3रे महीने में संपन्न किया जाता है या उसके बाद कभी भी किया जा सकता है। जितनी जल्दी किया जाए उसका लाभ उतनी जल्दी मिलता है। बच्चे की 80% व्यक्तित्व की आधारशिला माँ के गर्भ में पड़ जाती है। अतः गर्भस्थ शिशु के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक विकास की वैज्ञानिकता समझना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए गर्भ संस्कार का वैज्ञानिक प्रतिपादन आज आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। गर्भ उत्सव का उद्देश्य केवल गर्भस्थ शिशु के स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीरों का परिशोधन, परिमार्जन और परिष्कार करना है
और लक्ष्य है शरीर से स्वस्थ, मन से संतुलित, विवेकवान तथा भावनात्मक रूप से सक्षम भावी पीढ़ी का निर्माण करना। यह प्रजनन विज्ञान का एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक शिक्षण है, जिसमें गर्भवती माता हेतु स्वस्थ, प्रसन्न, शालीन, आस्तिक एवं अनुकूल वातावरण बनाने, आहार विहार एवं सुव्यवस्थित तथा स्वस्थ दिनचर्या हेतु जानकारी दी जाती है। एक छोटे से कर्मकांड के माध्यम से गर्भवती महिला को, उनके पति को और उनके परिवार वालों का ध्यान बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की ओर आकर्षित किया जाता है। यह एक सूक्ष्म इलाज है जिसमें गर्भस्थ शिशु के अचेतन मस्तिष्क परिष्कृत किया जाता है। माँ बच्चे की निर्माता होती है, इसीलिए कहा जाता है माता निर्माता भवती। वह अपने विचारों, भावनाओं, आहार विहार, वातावरण और संकल्प शक्ति से जैसा चाहे संतान उत्पन्न कर सकती है। हमारी पूर्व की माताएं वैदिक काल की, उनको यह ज्ञान था, इसलिए भारत में किसी समय 33 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रत्येक व्यक्ति में दैवी गुणों का की अधिकता थी। इसीलिए उन्हें 33 करोड़ देवी देवता के नाम से हम जानते थे और इसीलिए हमारा भारत जगत गुरु था, सोने की चिड़िया था और चक्रवर्ती सम्राट था। आप सभी ने वीर अभिमन्यु की कथा सुनी होगी। अभिमन्यु ने अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था और कहानी सुनाई थी उसके पिता अर्जुन ने। वो थोड़ी देर के लिए सो गई तो अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर बाहर निकलना नहीं सीख पाया, जिसका नतीजा उसको युद्ध क्षेत्र में भुगतना पड़ा अपनी जान को गंवाकर। आज परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सारी सुभद्राएं और सारे अर्जुन सो गए हैं। उनको ये नहीं पता कि आने वाली जो हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आ रहा है, जो हमारी संतान आ रही है, उसके लिए हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं। अगर हम उसको अपने कुल का चिराग बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इसी तरह से रानी मदालसा ने अपने 3 बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बनाया और अपने पति जो कि राजा थे, उनके रिक्वेस्ट पे उन्होंने अपने 4th बच्चे को अच्छा कुशल शासक बनाया। इसी प्रकार सीता जी ने लवकुश को, शकुंतला ने भरत को, जीजाबाई ने शिवाजी को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जैसा चाहती थी गढ़ लिया। ये सारी कहानियाँ कोई हवाई कहानियाँ नहीं हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रोपार्ड शेल्ड्रिक ने एक सिद्धांत बनाया मॉर्फेटिव कॉजेशन का, जिसके अनुसार जैसी माँ का विचार, भावनाएं, आहार और वातावरण होता है, उसके अंदर एक फोर्स निकलती है जिसको कि मेटाफिजिकल मॉर्फोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, और ये फोर्स बच्चे के अचेतन मस्तिष्क पर पहुँच के उसका 80-85% तक बच्चे की पर्सनालिटी को गढ़ देते हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि माँ के विचार और भावनाएं, अच्छे विचार और बुरे विचार जैसे होंगे, उस माँ में वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव हार्मोन्स बनेंगे। यदि माँ प्रसन्न, तनाव से रहित है, खुश मिजाज है, संतुष्ट है, तो उसके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स जैसे सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, एनकैफेलिन आदि सिक्रीट होंगे और ये बच्चे में अच्छे गुणों को विकसित कर देंगे, जैसे प्रसन्नचित, तनाव मुक्त, खुश मिजाज, एकाग्रचित, होशियार, व्यवहार कुशल, अच्छी भावनात्मक शक्ति रखने वाला, अपनी बात को अच्छी तरह कहने वाला, आत्मसम्मानी, शांत, सही निर्णय लेने वाला, रचनात्मक और समझदार दिमाग वाला, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वो बच्चा सफल हो सकता है। लेकिन यदि माँ दुखी है, परेशान है, प्रताड़ित है, वह खुद क्रोधी, ईर्ष्यालु और चुगली करने वाली, तरह तरह के नेगेटिव विचार वाली है, तो उसके अंदर दुखी वाले हार्मोन बनेंगे, नेगेटिव हार्मोन्स निकलेंगे जैसे एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, और जो कि बच्चे की नस नाड़ियों को सिकोड़ देंगे, जिसके कारण उसके अंदर ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार की कमी हो जाएगी, वो बच्चा बढ़ नहीं पाएगा और कई बीमारियों की जड़ लेकर पैदा होगा, और इसी कारण बच्चे के अंदर कई बुरे
गुण पैदा हो जाते हैं, जैसे रोने वाला, चिड़चिड़ा, गुस्सेबाज, असंतुलित व्यवहार वाला, मानसिक भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चा पैदा होगा। यदि माँ कुपोषित है, उसको समय से भोजन नहीं मिलता, संतुलित सात्विक संस्कारित आहार नहीं मिलता, किनारे मिलता है, बासी मिलता है, बचा खुचा मिलता है, तो उसका बच्चा भी कुपोषण का शिकार होगा और वो कई बीमारियों को लेकर के, उसकी जड़ लेकर के पैदा हो जाएगा, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर बच्चा पैदा होगा। सबसे तेजी से बच्चे का मस्तिष्क का विकास गर्भ के अंदर होता है। इस बढ़ते हुए मस्तिष्क में जिस प्रकार की छाप माता के द्वारा और उनके घर वालों के द्वारा पड़ जाती है, वो बच्चे के व्यक्तित्व को गढ़ देती है। पहला महीना, जिसमें कि अभी किसी को पता नहीं है कि माँ के गर्भ में बच्चा आ गया है, उसी समय उस बच्चे के मस्तिष्क की और तीनों शरीरों की नींव पड़ जाती है। यदि नींव कमज़ोर हो जाती है तो बच्चा जीवन पर्यंत सफ़र करता है। माँ और पिता के संयोग से बच्चे के स्थूल शरीर का पिंड बनता है, लेकिन उसके अंदर प्रवेश आत्मा का उस समय माँ और पिता की जैसे विचार और भावनाएं होती हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आज की सारी संतानें बिना बुलाए आ जाती हैं, सब बच्चे एक्सीडेंटल चाइल्ड हैं। आपके घर में बिना बुलाए कौन आता है? चोर और डाकू आते हैं। इसी तरह से किसी भी तरह की जिस तरह का विचार भावना होगी, वो बच्चा आपकी कोख में आ जाएगा। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि जैसा बच्चा आप चाहते हैं उसका आवाहन करिए, आप अपनी तैयारी करिए, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, अपने घर के वातावरण और अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करते हुए, तभी आप इसी तैयारी को हमारे ऋषियों ने गर्भाधान संस्कार के नाम से बताया है। पहले से तैयारी करके ही अपने बच्चे को की प्लानिंग करना चाहिए। दूसरा संस्कार तीसरे माह में कराया जाता है, जिसको कि हम और आप गर्भोत्सव संस्कार कहते हैं और पुंसवन के नाम से भी जाना जाता है। यह संस्कार इसलिए कराया जाता है कि इस समय बच्चे का मस्तिष्क बहुत तेजी से 2,50,000 प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ता है। अब बच्चा सुनने भी लगता है, सूंघने भी लगता है और स्वाद भी लेने लगता है। इसीलिए गर्भोत्सव संस्कार के माध्यम से माँ को, उनके घर वालों को, पति को ये शिक्षण दिया जाता है कि अब आप बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए, उसके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास के लिए आप कैसा आहार विहार करेंगी, कैसा आचार विचार करेंगी, कैसी अपनी दिनचर्या बनाएंगी, इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। तीसरा संस्कार सातवें महीने में किया जाता है, जो कि आज गोद भराई, बेबी शावर या अन्य नाम से जाना जाता है। इसको हमारे ऋषियों ने सीमांतोनयन के नाम से जाना था। इस समय बच्चे की मस्तिष्क की कोशिकाएं 5,00,000 प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ती हैं। अब बच्चे के अंदर भावना का केंद्र बन जाता है। यदि माँ खुश है तो बच्चा खुश होगा और माँ दुखी है तो बच्चा भी दुखी होगा। इन्हीं तीनों संस्कारों का सम्मिश्रण ही गर्भोत्सव संस्कार है। अब आप एक वीडियो देखिए, इसमें माँ और पिता बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसके कारण सोता हुआ बच्चा, रिलैक्सिंग बच्चा चौंक जाता है, टेंशन में आ जाता है और उसके अंदर वैसे ही नेगेटिव हार्मोन बनेंगे और वैसा ही रोने वाला, चिड़चिड़ा, गुस्सेबाज बच्चा बन जाएगा। अब ये एक दूसरी माँ है जो हमेशा प्रसन्न रहती है, अपने बच्चे से अच्छी प्यार भरी बातें करती है, अच्छी कहानियाँ सुनाती है, उसके घर वाले भी जैसे बेटी घर में आ जाती है, सब मिल बैठ करके बातचीत करते हैं, मिल बैठ करके खाना खाते हैं, सब मिलकर पूजा आरती करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, गर्भवती माता के लिए अच्छा वातावरण बनाते हैं, तो वो बच्चा भी शेयर करता है और खुश होता है, मुस्कराता है।
वो मुस्कराता ही नहीं, अच्छे म्यूजिक सुन करके डांस भी करने लगता है। तो ये डिस्को डांस म्यूजिक है। डिस्को डांस म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे गर्भवती माता के गर्भस्थ शिशु का ब्रेन सेल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए आज वैज्ञानिक कहते हैं कि उस माता को गूंजने वाली आवाज़, जैसे हमारे जितने मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, छंद हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है आदि, ओंकार है, या आपके कलमे भी हो सकते हैं, जिस भी धर्म में जो भी गूंजने वाली सुरीली मधुर आवाज हो, वो माता को सुनने से उस बच्चे का मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे इन म्यूजिक को सुनने से गायें दूध अच्छा देने लगती हैं, पेड़ पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, उसी तरह से इस बच्चे पर भी असर पड़ता है। अमेरिका की रिसर्च लेबोरेटरी ने आज ये साबित कर दिया है कि सूर्य की आवाज़ ओंकार है और वह सबसे अच्छी गूंजने वाली प्राकृतिक आवाज़ है। अतः ओम के उच्चारण के साथ भी हम अपने बच्चे का विकास, बहुत अच्छा चौतरफा विकास कर सकते हैं। The sound of the sun recorded by NASA is precisely as the ancient Hindus had described it in the Vedas thousands of years ago. It is a mantra that can be intoned with human speech as Om. अब ये आठवां महीना है जिसमें सभी इंद्रियां पूर्ण रूप से कार्य करने लगती हैं। अब बच्चे में याददाश्त और सीखने का केंद्र बन जाता है। अब जैसे माँ बाप भाई बहन बोलेंगे, कहते हैं कि गर्भस्थ शिशु 24 घंटे में अपनी माँ के 5000 शब्द सीखता है। इसके अलावा अपने भाई बहन, घर के जितने भी प्राणी हैं उनके और जो जानवर हैं उनकी भी आवाज़ को वो समझने लगता है और सीख लेता है और वो उसको याद कर लेता है। नवे महीने में बच्चा कई भाषाओं को याद करने की क्षमता रखता है। आप हिंदी, अंग्रेज़ी, इटालियन, फारसी, उर्दू जो भी सिखाएंगी वो बच्चे के अचेतन मस्तिष्क में जा करके लिख उठेगा और जहाँ उसको वातावरण मिलेगा उसी समय वो उस बात को बहुत जल्दी सीख लेगा। जैसे एक बीज को यदि बो दिया जाता है तो हवा, पानी और खाद पा करके वह अंकुरित होने लगता है। उसी तरह से वातावरण को पाकर अचेतन में बैठे हुए जो भी आपने सिखाया है वो बच्चे के अंदर से बहुत जल्दी सीख करके अपने जीवन में उतरने लगता है। इस वीडियो में एक माँ है जो अपने बच्चे को पहले दिन से लेकर 1.5 साल तक अथक प्रयास करती है, उसको वैज्ञानिक बनाना चाहती है। अब ये बच्चा 1.5 साल पे ना केवल बोलने लगा बल्कि वो पढ़ने भी लगा, जबकि नॉर्मल बच्चे 2 साल में बोलना सीखते हैं। When? Jumping. Very good. अब एक ये दूसरा वीडियो है जिसमें दो बच्चे जुड़वा हैं। इनकी माँ जब ये गर्भ में थे तो अपनी हाथ को पेट पे रख के भावना करती थी कि जो हम गीता का ये अध्याय पढ़ रहे हैं ये सब हमारे बच्चे सुन रहे हैं, और उसका नतीजा ये निकला कि वो बच्चे जब बोलने लगे तो वो गीता का वो अध्याय बिना देखे हुए, बिना कुछ पढ़े हुए वो उसको एक्सटेम्पोर बोलने लगे। आप उसका भी वीडियो देखिए। ये वीडियो हमारे एक नौकुंडी यज्ञ में हमारे भाइयों ने खींचा था। ओम श्री परमात्मने नमः अथ सप्तदश
षोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभागयोगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य। माँ के गर्भ में बच्चे की व्यक्तित्व पूर्ण रूप से उसकी नींव पड़ जाती है। व्यक्तित्व का मतलब IQ, EQ और SQ। IQ का मतलब होता है बौद्धिक प्रतिभा, कि बच्चा अपने स्कूल में कितना सफल है, और EQ का मतलब भावनात्मक प्रतिभा, बच्चा अपने जीवन में कितना सफल है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और दूसरों की भावनाओं को समझता है कि नहीं, उसके अंदर आत्मविश्वास स्वाभिमान होता है, चुनौतियों का वो सामना कर सकता है, ऐसा बच्चा अच्छी EQ वाला होता है। SQ का मतलब होता है सामाजिक प्रतिभा और आध्यात्मिक प्रतिभा। सामाजिक प्रतिभा का मतलब होता है जीवन में आने वाले विरोधों, अवरोधों और द्वंद्वों का सामना कितनी आसानी से कर लेता है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, अपने परिवार में और अपने समाज में दूसरों के साथ व्यवहार कुशलता कैसी है। इसके अलावा आध्यात्मिक प्रतिभा का मतलब होता है, यही नहीं होता कि वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने वाला है, बल्कि उसका मतलब होता है कि उसके अंदर नैतिक मूल्यों का, मानवीय मूल्यों का विकास हुआ कि नहीं, जैसे प्रेम, करुणा, ममता, उदारता, दया, सहयोग और सहकार की वृत्ति आई कि नहीं। और ये तीनों IQ, EQ और SQ की नींव माँ के गर्भ में पड़ जाती है। इसलिए यदि बच्चे में अच्छी आदत बनाने चाहते हैं तो वो सबसे अच्छा समय है जिस दिन बच्चा पहला दिन गर्भ में आता है, उस दिन से लेके 5 वर्ष तक, क्योंकि 5 वर्ष तक बच्चे का अचेतन मस्तिष्क काम करता है, उसके बाद चेतन मस्तिष्क काम करने लगता है, फिर जो उसने देखा है, सीखा है, वही सब वो करता है। आपके सामने नहीं करेगा तो पीठ पीछे करेगा। इसलिए बच्चे की भी प्रोग्रामिंग ज़रूरी है, और वो है पहले दिन से लेके 5 वर्ष तक। कंप्यूटर की चीज़ें आप बिगाड़ सकते हैं, लेकिन बच्चे के मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर पर जो लिख जाता है माँ के गर्भ में, वह आजीवन उस बच्चे के अंदर उसकी नींव पड़ी रहती है, और समय आते ही वो अंकुरित होने लगती है। एक बच्चा अपनी माँ से क्या चाहता है? बच्चा कहता है, माँ मेरा मस्तिष्क अभी बढ़ रहा है, कृपया मुझे प्यार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे लिए अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे संगीत सुनिए, अच्छी कहानियाँ सुनिए, पौष्टिक आहार खाइए, खुश रहिए, जिससे मैं दुनिया में एक सफल खुशहाल इंसान बन सकूं। आप कहेंगे कि बच्चा कैसे बोलता है? अगर कोई एक मृतक शरीर है तो उसकी आँख भी होती है, उसके कान भी होते हैं, जबान भी होती है, लेकिन ना वो बोल पाता है, ना सुन पाता है, ना स्वाद ले पाता है। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ उसके अंदर से निकल गई जिसका नाम आत्मा है, और बच्चे के अंदर अभी आत्मा है, और वो सोल कॉन्शियस है, इसलिए वो अपनी आत्मा से, अपनी माँ की आत्मा से बात करता है, और उस वाणी को परा और पश्यंत वाणी कहते हैं। उसकी ये इच्छा है, और हर माँ को उसकी ये इच्छा पूरी करनी चाहिए। इसलिए गर्भोत्सव संस्कार के माध्यम से कुछ आवश्यक बातें गर्भवती माता को, उनके पति को और उनके घर वालों को संकल्प कराए जाती हैं। गर्भ संस्कार का अर्थ है कि गर्भधारण से लेकर प्रसूति तक 280 दिन में घटने वाली हर घटना, माँ के विचार, भावनाएं, आहार, वातावरण, मनोदशा, शिशु से संवाद, सुख दुख, डर, संघर्ष, विलाप, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म जैसी सभी विचार शिशु के अचेतन पर प्रभाव डालते हैं। अतः यदि आप प्रखर प्रतिभाशाली सद्गुणी संतान चाहती हैं, अपने गुलों का, अपने घर में कुल का चिराग चाहती हैं, तो शिशु में अच्छे भावनात्मक विचार देने के लिए, गर्भ में स्वस्थ वातावरण बनाने लिए माँ के कुछ कर्तव्य हैं, जैसे नियमित और स्वस्थ दिनचर्या का पालन, नित्य नियमित योग आसन, जप ध्यान एवं प्राणायाम, जिसके कारण बच्चे का न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक विकास बड़ी तेजी से होता है।
यदि आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त रही, कभी 8 बजे सो के उठी, कभी कुछ खाया कभी नहीं खाया, तो बच्चा भी अस्त व्यस्त दिनचर्या वाला होगा। और आपका बच्चा अगर अस्त व्यस्त अनियमित दिनचर्या का है तो वो जीवन में सफल होने में बहुत कष्ट मिलेगा। नित्य नियमित अपने धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण, गीता, बाइबिल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब आदि का पाठ करना चाहिए ताकि बच्चे में आस्तिकता का गुण आए। वो ये जान सके कि कोई निराकार सत्ता है जो हमें 24 घंटे देख रही है। इससे बच्चों में गलत काम करने के प्रति सजग हो जाती हैं। शौर्य साहस, सकारात्मक सोच और मानवीय मूल्यों को विकसित करने वाले साहित्य, सफल व्यक्तित्वों का चरित्र आदि पढ़ना चाहिए ताकि बच्चों में गुणों का विकास हो सके। डरावने और उत्तेजना वाले साहित्य, धारावाहिक या सिनेमा से बचना चाहिए। कम से कम प्रतिदिन विभाजित 4 घंटे सुबह, दोपहर, शाम अच्छे सुखदायी संगीत, गूंजने वाले संगीत सुनना और गुनगुनाना भी चाहिए। इसके अलावा ध्यान के माध्यम से अच्छी बातें करके, कहानियां सुना करके, स्वाध्याय करके, प्रवचन सुन के, अनेक माध्यमों से बच्चे में अच्छे गुण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रसन्न, स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण बनाना, अपने अच्छे दिनों की याद करना, घर में सुंदर प्राकृतिक प्रेरणा देने वाले चित्र लगाना चाहिए। तली भुनी मसालेदार चीज़ों से परहेज करना चाहिए। संतुलित सात्विक और संस्कारित भोजन करना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर भी बताते हैं। प्रतिदिन 1 से 2 घंटे का विश्राम भी करना चाहिए, जिसमें 15 मिनट सोने के होने चाहिए और विश्राम के समय आप स्वाध्याय, ध्यान आदि भी कर सकती हैं। ईर्ष्या, द्वेष, हठवादिता, रूठना आदि से बचना, सेवा भावना रखनी चाहिए। घर में आस्तिकता एवं सहयोग सहकार का वातावरण बनाने हेतु सामूहिक आरती, पूजा, साधना, भोजन, बातचीत आदि करना चाहिए। और हाँ, चिकित्सकीय परीक्षण, चिकित्सक से आंगनवाड़ी या आशाओं के पास जाकर अवश्य कराना चाहिए और उनके निर्देशानुसार टेटनस के 2 टीके, आयरन कैल्शियम की गोली और पौष्टिक आहार खाना चाहिए ताकि बच्चा ना केवल मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो बल्कि शारीरिक रूप से भी वो बच्चा स्वस्थ हो। अब पति और परिवार के लोगों के भी कुछ कर्तव्य हैं। बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए वातावरण स्वस्थ, सुखमय, प्रसन्न और आध्यात्मिक बनाने की समुचित व्यवस्था करेंगे। परस्पर द्वेष बैर भुलाकर शालीनता का वातावरण बनाएंगे। गर्व पर अभाव, नशा सेवन और कुसंस्कारों की छाया नहीं पड़ने देंगे। स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था बनाएंगे। घर में क्रोध, तनाव, तेज आवाज, गाली गलौज, कला क्लेश आदि का वातावरण नहीं बनने देंगे। हम भावी माता के आहार विहार, आचार विचार एवं आवश्यक साधन सुविधा की व्यवस्था बनाए रखेंगे। गर्भिणी के उचित आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। वह क्या खाना चाहती है और कैसा व्यवहार चाहती है, यदि उचित है तो पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस गर्भोत्सव संस्कार में केवल भौतिक पदार्थ उपहार के रूप में नहीं बल्कि उस बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक डेवलपमेंट के लिए कुछ विशेष उपहार पुस्तकों के रूप में भी दिए जाते हैं, जो कि परम पूज्य गुरुदेव ने विशेषकर परिवार निर्माण के साहित्य में लिखे हैं, जैसे आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी भाग 1, हमारी भावी पीढ़ी और उसका निर्माण। यह वांग्मय 63 नंबर का है, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने पहले दिन से लेके यंग एज तक बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसको कैसे अच्छा इंसान बनाना है, वो केवल शिक्षा में ही नहीं बल्कि अपने जीवन में भी सफल होकर के आपके गुरुकुल को गौरवान्वित कर सके, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तीसरी पुस्तक है हमारे महान उत्तराधिकारी,
इसमें बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए बहुत ही अच्छी बातें लिखी हैं। ये तीन पुस्तकें बहुत ही आवश्यक हैं। इसके अलावा अन्य पुस्तकें भी हैं जो कि इसमें लिखी हुई हैं। आप इनको सब साहित्य स्टॉल से खरीद सकते हैं और अपने घर में स्वर्गीय वातावरण, अपने कुल को चिराग को जैसा आप चाहती हैं वैसा बना सकते हैं। अतः यदि आप अपने कुल को गौरवान्वित करने वाली कुल का चिराग चाहते हैं, जो प्रखर प्रतिभाशाली, सज्जन, सद्गुणी, सभ्य, समुन्नत संतान हो, जो न केवल अपने अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और युग की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दे सके, ऐसी संतान चाहते हैं, तो गर्भोत्सव के माध्यम से जो संकल्प कराए गए हैं उनको यदि पूर्ण निष्ठा से 9 माह तक पालन करते हैं, तो ज़रूर आपके घर में ही नहीं बल्कि समाज में एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों राम कृष्ण पैदा होंगे, लाखों जीसस क्राइस्ट पैदा होंगे, लाखों मोहम्मद साहब पैदा होंगे, शिवाजी राणा पैदा होंगे, लाखों सीता, सावित्री, अनसुईया, जीजाबाई, रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाएं आपके यहाँ पैदा, जो कि पूरे विश्व में धरती पर स्वर्ग का अवतरण करेंगे और मनुष्य में देवत्व का उदय करेंगे। जो गुरुदेव का संकल्प है वो पूरा होगा। ओम शांति।